Hello guys, I'm Nishant Kumar here to discuss about the CEO of the company, the Indian CEO of company. देखिए दोस्तों, हमारे ज़्यादातर YouTube वीडियो में इंडियन CEO की बात की जा रही थी कंपनी में, केवल इंडियन CEO पे फोकस किया जा रहा था. लेकिन देखिए, हमारे ग्रुप डी और ALP एग्जाम में क्या हुआ है, वहाँ पे Adobe, Apple, Samsung, Amazon, YouTube के CEO भी पूछे गए हैं. तो हम लोग इंडियन CEO पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये बात तो सही है. लेकिन उसके अलावा भी जो विदेशों में बहुत अच्छी रिप्यूटेड कंपनियां हैं, पॉपुलर कंपनियां हैं, जिनके CEO हमेशा विवाद में रहते हैं वैसे रिलेटेड, या जो हमेशा बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमेशा, या हमारे सोशल इन्वायरमेंट चेंज करने में वे हेल्पफुल है, तो उन कंपनी को CEO पूछा ही जाएगा. तो इसका हम ध्यान रखते हुए हम डिस्कस करेंगे. देखिए, वो कंपनी हो सकती है इंडियन भी हो, फॉरेनर भी हो, पॉपुलर कंपनी भी हो सकती है नॉर्मल कंपनी भी हो. अगर वो इंडियन CEO है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. तो हमारा आता है पहला, एप्पल के कौन CEO है, तो टिम कुक है. देखिए, एप्पल का CEO का नाम पूछा जा चुका है ग्रुप डी में. और इसका बात ध्यान रखें, बहुत सारे YouTube वीडियोस ने इसका डिस्कस नहीं किया था. अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उन सारे CEO के, अगर मान लीजिए हमें 10 याद करना पड़ता है, हम 15 याद कर ले तो क्या दिक्कत है, लेकिन एटलीस्ट हमारे एग्ज़ाम में तो आए. तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम एप्पल के CEO टिम कुक हैं बात करते हैं. उसके बाद देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप के कौन है, तो कुमार मंगलम है. आदित्य बिरला ग्रुप के कौन है, तो कुमार मंगलम है. उसके बाद बात करते हैं Adobe. याद रखिए, Adobe बहुत इंपॉर्टेंट है, शांतनु नारायण है इसके CEO. कौन है, तो शांतनु नारायण है. Amazon तो नंबर वन क्या है, अमीर कंपनी है. जो इसके CEO कौन है, फाउंडर है, यस, जेफ बेजोस है. तो जेफ बेजोस बहुत ही रिच पर्सन है, वर्ल्ड में नंबर वन रिच यही है, यही माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे किए हैं. नहीं तो इससे पहले कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर थे वो क्या थे, अमीर थे. माइक्रोसॉफ्ट का लोग जानते ही हैं, बिल गेट्स थे. अब आते हैं कि अमूल क्या है जी. अमूल हमारा जो है इंडियन कंपनी है, और ये क्या है, इसका है गुजरात में कंपनी है. ये रामसिंह परमार इसके क्या है, CEO है. तो देखिए, आगे बढ़ते हुए फिर से इम्पोर्टेंट आपको कंपनी आती है Cognizant. देखिए, TCS Cognizant ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है. ये Cognizant है, इसके कौन है, फ्रांसिस्को डी डुसीजा. देखिए, इंडियन CEO है, नाम से पता चल रहा होगा फॉरेन है, लेकिन इंडियन डीसी, इसलिए इसको ध्यान रखिए. और आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला इंपॉर्टेंट आता है आपको डेल के कौन है. देखिए, डेल का तो माइकल डेल याद करने में कोई दिक्कत है नहीं. आगे बढ़ते हुए देखिए, हम लोग वैसे वैसे CEO का डिस्कस करेंगे जो हमें आने के एग्जाम में पूरे चांसेज है. फेसबुक, अब फेसबुक का ना पूछा जाए, इस फेसबुक का कौन है, मार्क जुकरबर्ग है. फेसबुक के फेमस कौन है जी, मार्क जुकरबर्ग है. तो फिर इन सब बातों का लोग ध्यान रखिएगा कि जो पूछा. देखिए, फ्लिपकार्ट का कौन है जी, तो कल्याण कृष्णमूर्ति है. फ्लिपकार्ट के कौन है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति है. आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमें याद करना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन हो, लेकिन अगर फॉरेनर कंपनी के अगर इंडियन होते हैं तो ज़्यादातर चांस होता है पूछा जाए. देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के कौन से हैं, तो पवन मुंजाल है. हीरो मोटोकॉर्प के कौन है, पवन मुंजाल है. देखिए, इंडियन कंपनी है और इंडियन ही क्या है, इसके हेड है. तो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान रखिए और आगे बढ़िए. आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन है, तो संजीव मेहता है. कौन है जी, तो संजीव मेहता है. देखिए, HP छूट रहा था. HP का कौन है, तो डियांस वेल्सर है. देखिए, HP का बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता है. आगे बढ़ते हैं, अब इधर तो देखिए, आगे आते हैं. आपको एक रहा ये हार्मन इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मन इंटरनेशनल इंडस्ट्री के कौन है जी, तो हार्मन इंटरनेशनल के कौन है, यहाँ पे तो पुराना वाला लिखा हुआ है. आप हार्मन के लिए
हाँ हेलो। हाँ देखिए जी, हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्री के कौन है? तो दिनेश पालीवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे इंडियन कंपनी तो नहीं है, लेकिन क्या है, इंडियन सीईओ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब बात को ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो IBM का तो ये फॉरेनर सीईओ है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ आती है इन्फोसिस के, देखिए कौन से है? ये बदल चुके हैं, सलील क्या है, परेख है, और ये आपको ग्रुप डी में आ भी चुका है, ग्रुप डी में आ भी चुका है। पूरा ध्यान दें, इन्फोसिस के कौन है? सलील परेख। ये दो बार पूछा जा चुका है जी। अब बात आता है, तो देखिए यहाँ पे मास्टर कार्ड के कौन है जी सीईओ? अजय पाल सिंह बंगा। ये जरूरी याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड के कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। ये कौन नहीं जानता होगा भाई? ये अगर ये नहीं जानते हो तो एग्जाम में आपके नंबर कटने के बहुत बहुत चांसेस है। तो प्लीज माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सत्य नडेला। इन सब इंपॉर्टेंट कंपनी के याद करना ही पड़ेगा, और ये तो इंडियन सीईओ भी है, फॉरेन टॉप कंपनी भी है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए नोकिया का कौन है जी? राजेश्वरी। ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखोगे फॉरेन नोकिया कहाँ की कंपनी है? तो फिनलैंड की है, लेकिन इसके राजेश्वरी क्या है? इंडियन सीईओ है, तो इसलिए याद रखिए ये सब। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पेटीएम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम का कौन है? तो पेटीएम का विजय शेखर शर्मा है। ये पेटीएम तो कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। पेप्सिको के इंदिरा नू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेन टॉप की कंपनी है पेप्सिको। और एक कौन है इसके सीईओ? तो इंदिरा नू है। इस बात पर ध्यान दें, इंदिरा नू, और ये लेडीज भी हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो रिलायंस देखिए, अगर पूछेगा रिलायंस ADGA तो उसके कौन है? अनिल अंबानी। अगर रिलायंस इंडस्ट्री बोलेगा तो मुकेश अंबानी, अगर रिलायंस जियो बोलेगा तो मुकेश अंबानी है, रिलायंस टेलीकॉम बोलेगा तो अनिल अंबानी है। तो ये सब वर्ड में उलझने की कोशिश ना करें। फिर से आते हैं जी, सैमसंग के कौन है? ली कुन ली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैमसंग के कौन है जी? ली कुन ली है, ली कुन ही है, ली कुन ही है। स्नैपडील के कौन है? तो कुणाल बहल। स्नैपडील के कौन है? कुणाल बहल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमसंग के ली कुन ही फॉरेनर भी है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। अच्छा आगे बढ़ते हुए अगला आपको विकिपीडिया के कौन है जी? जिमी वेल्स है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे चीज अगर सीईओ का नाम अगर नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए एटलीस्ट आप सीईओ के नाम याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्रो के कौन है? तो अबिदाली निमुचे। देखिए ये इंडियन सीईओ है, अबिदाली निमुचे। विप्रो के कौन है? विप्रो टेक के कौन है? अबिदाली निमुचे। अगर बात की जाए अबिदाली निमुचे, देखिए ये इंडियन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूट्यूब के कौन है जी? तो सुशांत ओजोकी है। यूट्यूब के कौन है? सुशांत ओजोकी है। देखिए ये सब थे इंपॉर्टेंट जो सीईओ थे, मैं उनको डिस्कस किया हूँ। अब बात करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लिए कौन है? तो इंदिरा नू किसके हैं जी? तो पेप्सिको के हैं। राजेश्वरी किसके हैं? तो नोकिया के हैं। शांतनु नारायण किसके हैं? तो एडोब के हैं। शांतनु नारायण किसके हैं? तो एडोब के हैं। सत्य नडेला किसके हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सत्य नडेला किसके हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सुंदर पिचाई किसके हैं? तो गूगल के हैं। विजय शेखर शर्मा किसके हैं? तो पेटीएम के हैं। संजय झा किसके हैं? ग्लोबल फाउंड्री के हैं। फ्रांसिस्को डिसीजा किसके हैं? कोग्निजेंट के। देखिए TCS कोग्निजेंट के सीईओ का नाम याद रखना पड़ेगा। कोग्निजेंट के कौन है? फ्रांसिस्को डिसीजा है। दिनेश पालीवाल, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, हरमन इंटरनेशनल है। ठीक है, HP का डियंस वेस्लर है। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है। विप्रो का अबिदाली न्यूज वाला है। मास्टर कार्ड का कौन है? अजय पाल सिंह बंगा है। ठीक है, कुछ कंपनी देखिए, डाबर ग्रुप के कौन है? सुनील दुग्गल है। तो इन सभी कंपनी का स्पाइस जेट के अजय सिंह है। इंफोसिस के सलील फरीक है। उबर के कौन है? सॉरी ओला के कौन है? तो भावेश अग्रवाल है। तो इन सब को याद रखिए। देखिए कुछ कुछ इसके अलावा कुछ जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी सीईओ पूछे जाते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों बाय। तो अब तक वीडियो को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पल पल की खबरें आपको सब्सक्रिप्शन से मिलता रहेगा। जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको मिलता रहेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।